वोटिंग करना अपुन का अधिकार है, बोले तो सबने वोटिंग करना चाहिए, लेकिन अपुन को जो नेता चुनना है वो नेता कैसा होना चाहिए? अच्छी व्यवस्था करके दे रहा है पब्लिक को, अच्छी सेवा कर रहा है पब्लिक की, हमें उसे ही वोट देते। उम्मीदवार आशा पाहिजे कि जगह से कल्याण करना रहा पाहिजे, वस्तीच कल्याण करना रहा पाहिजे। वोट यही देते है कि गली का कोई सुधारवार होएगा, कोई अच्छा करेगा, अपन उनके पास जाएंगे तो कोई अच्छी, अपने को कोई तकलीफ हो गया तो अपन उनके पास जाएंगे, अपन बोलेगे कि ऐसी सी बात है, तो इस वजह से हम लोग ये वोट देते। यहाँ पर नगर सेवक ना कोई आता सफा करने के लिए, हम लोग के घर में पानी जाता है, हम लोग का गटर भरता, हम लोग खुद सफा करते हैं। कितना हम लोग बोल बोल के परेशान हो गए, वो जब आते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, हम आपका गटर सफा करेंगे, नाला सफा करेंगे, जो आपकी तकलीफ है आपका तकलीफ दूर करेंगे। नहीं ये उड़ी सीधी, ये धन में धरो तुम आधी, ये बात नहीं ये उड़ी सीधी, ये धन में धरो तुम आधी, क्यों फंसते हम प्रॉब्लम मंदी गे, सुन दादा ताई अक्का दीदी, क्यों फंसते हम प्रॉब्लम मंदी गे, सुन दादा ताई अक्का दीदी, क्यों फंसते हम प्रॉब्लम मंदी गे, सुन दादा ताई अक्का दीदी। जिम्मेदारी तो सबकी है कि वोट करें, इसी जिम्मेदारी के प्रति हमारे युवाओं की सोच क्या है, ये भी कोशिश की हमने एक चर्चा सत्र के माध्यम से। इस टाइम के जो युवा है ऐसा सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स से जुड़ना नहीं चाहते, यूथ का इस पूरे इलेक्शन में या इस पूरे प्रणाली में दिलचस्पी कम क्यों है? हमारे पास चॉइसेस काफी कम है। जब जिसको मैं दे रहा हूँ वो कितना कैपेबल है उस पोस्ट को संभालने के लिए, उस पार्टी ने उस एजेंडे को पूरा नहीं किया, तो फिर इस वजह से मैं कहता हूँ कि मुझ में या मेरे जैसे और दोस्तों में भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कोई कनेक्शन नहीं है इस इलेक्शन से? पॉलिटिक्स एक हमेशा एक इट्स लाइक अ डर्टी वर्ड फॉर अस नाउ, बिकॉज़ वी टॉक अबाउट करप्शन, अबाउट पॉलिटिशियंस ऑलवेज बीइंग करप्ट, तो मुझे कभी कभी लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। खुद को लगता है कि दिलचस्पी आना चाहिए, तो मुझे कब आएगी? जब मैं देखूंगा कि कोई यूथ अपने में से कोई खड़ा है जो यूथ के प्रॉब्लम समझ सकता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, इलेक्शन, इन सब बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता था, सोचती थी सब झूठा है, बेमतलब, ऐसा मैं अकेली सोचूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जैसे 44 लोग सोचे तो जरूर फर्क पड़ता है। हमारे पिछले इलेक्शंस में 44, 55, 66 ऐसे वोटों से भी नगर सेवक जीत के आए हैं, तो अब मैं जान गई हूँ कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी इलेक्शंस के प्रति जिम्मेदारी क्या है। सोचिए ना, अगर मैं वोट नहीं करती तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, इलेक्शन को बुरा भला कहूँ। इसलिए आने वाले इलेक्शंस में मैं तो वोटिंग करने जा रही हूँ, तो आपको सोचना है कि आपको कौन से लिस्ट में रहना है, वोटिंग करने वाले या ना करने वाले। पर वोट डालना तो सिर्फ पहला कदम है, इसके बाद ये जरूरी है कि हम साथ आए, हम साथ आए ताकि हम अपने चुने हुए नगर सेवक पर कड़ी नजर रखें, अपने चुने हुए कॉर्पोरेटर से ये डिमांड करें कि हमारे एरिया में हर 5000 लोगों के लिए एक कंप्लेंट बॉक्स या तकरार पेटी बनवाया जाए, जिसमें हर तकरार को 3 महीने के अंदर जवाब में धरो तुम आधी, ये बात नहीं ये उड़ी सीधी, ये धन में धरो तुम।